नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणत चौधरी। सिविल पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए और एक नया इंडियन हाउस प्लान लेके आए हैं। जी हां दोस्तों, आज स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मॉडल, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। टोटल मैं बाउंड्री लेके बताया। बहुत सारे सब्सक्राइबर का कन्फ्यूशन रहता है कि ये बाउंड्री वाल लेके बता रहे हैं, टोटल प्लॉट एरिया लेके बता रहे हैं, या सिर्फ बिल्टअप एरिया लेके बता रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूंगा ये चीज़। तो टोटल जो एरिया है, ये प्लॉट एरिया है 39 फीट बाई 59 फीट। ओके, ये हो गया प्लॉट एरिया, यानी कि टोटल जमीन। मतलब एक क्लाइंट, सपोज आप पकड़ लीजिए आपका ही घर है, तो आपका टोटल घर का जमीन का एरिया है 39 फीट बाई 59 फीट। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ जगह छोड़ना पड़ता है, बहुत जगह रूल रहता है। जैसे वेस्ट बंगाल में रूल है, असम में रूल है कि अपने जो प्लॉट है, अपने जो जमीन है, जमीन से थोड़ा छोड़ के उसके बाद हम लोगों को घर बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी बोलेंगे कि सर इधर तो रूल नहीं है, तो इधर ये लागू नहीं होगा। चलिए छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको बिल्टअप एरिया का साइज बताऊंगा, आप वो साइज को लेके चलिए। ठीक है ना, तो बिल्टअप एरिया का जो साइज रहेगा 32 फीट 8 इंची। तो ये छोड़ने के बाद मुझे ये एरिया मिला, तो आप थोड़ा एरिया इधर उधर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आपको यहाँ पे जो जगह मिलेगा 52 फीट 8 इंची। ओके, टोटल अंदर का जो प्लॉट एरिया है, बिल्टअप एरिया है, वो 32 फीट 8 इंची एंड 52 फीट 8 इंची। ओके, नाउ आप अगर 8 इंची हटा देंगे 32 फीट बाई 52 फीट, एकदम इजी सिंपल। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। एंड सबसे जो मेन बात है, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। डेली बेसिस पे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो सीट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल है। एंड उससे पहले मैं बता दूं, ये जो सब्सक्राइबर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाया गया है, वो ये गैरेज के लिए पोर्शन छोड़ना चाहते थे, एंड स्टेयर जो है ये अलग से सेपरेट सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर रेंट पे होगा या सेकंड फ्लोर रेंट पे होगा, तो इजीली हम लोग इसको छोड़ देंगे। एंड स्टेयर पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल स्टेयर जो एरिया रहेगा, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। स्टेयर का जो ये वाला जो पोर्शन मिल रहा है, ये हम लोग के पास 7 फीट रहेगा। ओके, एंड ये वाला जो पोर्शन मिलेगा, ये वाला हम लोग को मिलेगा 15 फीट। ओके, अभी अंदर का बात कर लेते हैं। 3 फीट 6 इंची हम लोग को मिलेगा स्टेयर लेंथ। ओके, एंड यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 4 फीट, एंड ये 3 फीट 6 इंची। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो मिलेगा 4 फीट का। मेन एंट्रेंस जो रहेगा, 3 फीट का डोर दिया जाएगा। ओके, सीट आउट, अभी चले जाते हैं सीट आउट में। सीट आउट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको 12 फीट 6 इंची बाई 5 फीट का सीट आउट देखने को मिलेगा। लेंथ में 12 फीट 6 इंची एंड 5 फीट विड्थ में मिलेगा। एंड इसी के साथ आपको राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक डोर दिया गया है जो कि 4 फीट का डोर रहेगा। मेन एंट्रेंस रहेगा घर में घुसने के लिए। ड्राइंग एरिया आपको देखने को मिल रहा है। साइज मिलेगा ड्राइंग एरिया का 12 फीट 8 इंची बाई 14 फीट 6 इंची। 12 फीट 8 इंची बाई 14 फीट 6 इंची का ड्राइंग एरिया। अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि देखिए ड्राइंग में भूल होता ही है छोटा मोटा, तो मैं ये चीज़ मेरा आँख में अभी आ गया है, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे एक विंडो चाहिए, ड्राइंग एरिया में एक विंडो देना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं एक भी विंडो प्रोवाइड किया गया नहीं है, तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन रहता, मैं इसीलिए बता दिया कि यहाँ पे एक विंडो दिया जाएगा। गलती सभी से होता है, गलती को सुधर के आगे बढ़ने वाले को क्या बोलेंगे, नॉलेजेबल करते हैं, नॉलेज जिसको जिसके पास नॉलेज है। ओके, तो ड्राइंग एरिया ये हो गया। यहाँ पे आप सोफा वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे एक टीवी कैबिनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा करके आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, वो इंटीरियर में हम लोग कभी समझेंगे। ड्राइंग एरिया में हम लोग एक हैंडवाश के लिए एरिया छोड़े हैं एंड लैटरिन के लिए एरिया छोड़े हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई भी आपका जो गेस्ट आए वो ये चीज़ यूज़ कर पाए। चलिए साइज बता देते हैं, यहाँ पे छोटा करके मैं मेंशन कर देता हूँ, 5 फीट 6 इंची बाई 4 फीट 3 इंची। प्रॉपर वेंटिलेशन 2 फीट बाई 1 फीट का। लैटरिन का साइज़ कितना रहेगा, 5 फीट 6 इंची बाई 3 फीट
सिक्स इंची प्रॉपर वेंटिलेशन, यहाँ पे ढाई फीट का हम लोग डोर प्रोवाइड करेंगे। ओके अभी अंदर चले जाते हैं, ये हो गया सेपरेट पोर्शन, ये ओनली फॉर आपका गेस्ट एंड आप खुद के लिए भी तो यूज कर ही सकेंगे, लेकिन गेस्ट के पर्पस में, सॉरी गेस्ट के पर्पस में आप यूज कर पाएंगे, सॉरी। ओके आगे बढ़ते हैं, लॉबी आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉबी का जो साइज रहेगा 6 feet 8 inches by 12 feet 10 inches। ओके लेंथ 6 feet 8 inches 12 feet 10 inches विड्थ। ओके नाउ फर्स्ट बेडरूम हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम हम लोग को मिल रहा है, इस डोर से बेडरूम में एंटर करेंगे, बेडरूम साइज रहेगा फ्रेंड्स 11 feet 6 inches 12 feet 4 inches, प्रॉपर यहाँ पे 5 feet का विंडो प्रोवाइड किया गया है। ओके एंड टॉयलेट, यहाँ पे टॉयलेट का बाथ प्रोवाइड किया गया है, साइज 5 feet 6 inches by 6 feet का यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है, प्रॉपर वेंटिलेशंस एंड डोर जो रहेगा 2.5 feet का रहेगा। ओके नाउ सेकेंड बेडरूम आ जाते हैं, 12 feet 6 inches by 11 feet, ठीक है 12 feet 6 inches by 11 feet का ये बेडरूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 3 feet का डोर देखने को मिलेगा, टॉयलेट कम बाथ का जो साइज रहेगा 12 feet 6 inches by 5 feet 6 inches का। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए, थोड़ा नॉलेज आपको मिल सकता है। एंड सेकेंड थर्ड बेडरूम जो मिल रहा है यहाँ पे 12 feet 6 inches by 11 feet 8 inches मिलेगा। ओके यहाँ पे जो विंडो मिल रहा है 5 feet का दोनों बेडरूम ही मिलेगा एंड डोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 feet का। पूजा रूम छोटा सा प्रोवाइड किया गया है 6 feet 8 inches by 5 feet 6 inches का। ओके यहाँ पे जो डोर है 3 feet का डोर, स्लाइडिंग डोर प्रोवाइड करेंगे। किचन जो है ओपन किचन है 69 inches, यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 inches। ओके किचन साइज जो रहेगा 11 feet 6 inches by 11 feet 8 inches। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग इंटीरियर में थोड़ा ध्यान दिया तो आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, तो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है तो आप लोगों को नॉलेज मिलेगा अच्छे से। विंडो 4 feet का रखा गया है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर प्रोवाइड किया गया है 8 feet by 4 feet 2 inches का, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड डोर जो रहेगा यहाँ पे 2.5 feet का रहेगा। तो सारा जानकारी मेरे हिसाब से आपको दिया गया है मेरे तरफ से। अभी हम लोग थोड़ा वॉल साइज के लिए बात करेंगे, तो वॉल साइज कितना देंगे यहाँ पे देख लीजिए, वॉल 6 inches का रहेगा एंड कलम पोजीशन थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए कलम पोजीशन देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लगभग 17 to 18 कलम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कलम साइज जो रहेगा मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 10 inches by 15 inches कलम साइज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बिल्डिंग कॉस्टिंग कितना आएगा, बिल्डिंग कॉस्टिंग अप्रॉक्स 21.5 lakhs इसका खर्चा आएगा, 21.5 lakhs खर्चा आ सकता है। ओके फ्रेंड्स एंड प्लान अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करके अपना प्यार दीजिए। आज के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।